6.4 धारा प्रतिरोध व चालकता, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। सामान्यतः आपने देखा होगा कि घरों के विद्युत परिपथ में कहीं मोटे तार का उपयोग होता है तो कहीं पतले तार का। ऐसा क्यों करते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा केवल विद्युत विभव पर ही नहीं परंतु परिपथ में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। समान मोटाई के लंबे तार का प्रतिरोध छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। इसलिए परिपथ में मोटे एवं कम लंबाई के तार से धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अतः घरों के विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाने वाले तार की लंबाई एवं मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयवों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई L के समानुपाती होती है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। क्रियाकलाप 3, चालक की लंबाई पर। 100 सेंटीमीटर लंबा एक पतला नाइक्रोम का तार लें। तार के दोनों सिरों को विद्युत माउंट में लगाएं। ध्यान रहे कि तार कसा हुआ हो और उसमें कहीं ऐंठन न बने। अब इसे श्रेणी क्रम में लगी 2 वोल्ट वाली दो सेल, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर के साथ चित्रानुसार जोड़कर एक परिपथ बनाएं। परिपथ पूर्ण होने पर इस तार से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा और इसके दोनों सिरों के बीच के विद्युत विभव का मान सारणी क्रमांक 3A में भरें। अब ऊपर दी गई प्रक्रिया को माउंट का उपयोग कर तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर करके सारणी क्रमांक 3A में भरें। सारणी 3, प्रतिरोध व तार की लंबाई के बीच ग्राफ बनाकर इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या आपने पाया कि R L के अनुक्रमानुपाती है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। 100 सेंटीमीटर या समान लंबाई वाले नाइक्रोम के दो अलग अलग मोटाई वाले तार लें। एक एक करके तार को माउंट पर कसकर बांधें और तार से प्रवाहित विद्युत धारा व तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का मान सारणी क्रमांक 3B में भरें। तार की मोटाई और प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करें। ध्यान रखें कि मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पतले तार की तुलना में अधिक होगा, इसलिए ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में पतले तार की तुलना में प्रतिरोध कम होगा या अधिक। आपने क्या पाया? चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। नाइक्रोम, कॉपर, स्टील के समान लंबाई व मोटाई के तार लें। एक एक करके परिपथ में जोड़ें और सारणी 3S भरें। किस तार का प्रतिरोध सबसे अधिक है व किस तार का सबसे कम? प्रायोगिक कार्य करने के पश्चात आप पाएंगे कि प्रतिरोध R समानुपाती L। समीकरण 1, R समानुपाती 1/A। समीकरण 2, मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पतले तार से अधिक होगा। समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L/A। समीकरण 3, अथवा R बराबर रो गुणित L/A। समीकरण 4, यहाँ रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर 10^-8 ओम मीटर से 10^-6 ओम मीटर है। इसलिए ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि पर बढ़ जाती है और ताप कम होने पर कम हो जाती है, परंतु
मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन आदि की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है। इसका प्रतिरोध एवं गलनांक उच्च होता है। कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में आने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि हम ऐसा तार लें जिसकी लंबाई एकांक हो तथा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तब प्रतिरोध R बराबर रो गुणित L बाई A। चूँकि L बराबर 1, A बराबर 1, तब R बराबर रो। अतः एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसी वस्तु की चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधिक प्रतिरोधकता वाले पदार्थ विद्युतरोधी होते हैं। कोई भी पदार्थ पूर्ण रूप से शुद्ध चालक अथवा विद्युतरोधी नहीं होता है। बढ़ती चालकता व घटती प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को इस क्रम में दर्शाया जा सकता है। चित्र 6 देखें।